वीडियो में भारत के सबसे शक्तिशाली, सबसे खतरनाक और सबसे खुफिया मिशन काली नामक हथियार के बारे में, और इस काली नामक हथियार से कैसे ऑपरेशन व्हाइट वॉश को अंजाम दिया गया, जिसे देखकर पूरी दुनिया चौंक गई। काली को सबसे पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क ने एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर बनाया था, ताकि यह अपने सैटेलाइट्स को सुरक्षा दे सके, उन्हें प्रोपेल कर सके और उन पर पड़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उनकी सुरक्षा कर सके। ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के समीप ट्रांबे में है। यह एक जगह है मुंबई के पास ट्रांबे, वहाँ ये पहाड़ियों से घिरा हुआ एक बहुत ही टॉप सीक्रेट इंडिया का जगह है। यहाँ जो भी खुफिया हथियार वगैरह बनाए जाते हैं वो इसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, शॉर्टकट में बार्क, यहीं बनाए जाते हैं। काली का पूरा नाम होता है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। ये एक बहुत ही हैवी वर्क, देखिए आप देख रहे हैं किलो एम्पियर मतलब एक किलो एम्पियर, तो उतने हैवी इंपल्स को ये किसी एक जगह लीनियर यानी सीधे में इंजेक्ट करता है, डाल देता है वहाँ पर। काली की सबसे बड़ी खराबी क्या है, इसका साइज बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा साइज होने की वजह से इसको हम आसानी से एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं ले जा सकते हैं, तो इसको किसी बड़े जहाज में या फिर पानी वाले शिप पर सेट कर दिया जाता है। काली के कई वेरिएंट हैं, अभी काली 1000 सबसे खतरनाक है। काली का विचार 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से आया था। काली जो सबसे खतरनाक वेरिएंट है, काली 1000, वो 40 गीगावाट का एनर्जी रिड्यूस करता है। अब 40 गीगावाट समझिए, भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, इसको बिजली की खपत सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा लोग रहेंगे ज़्यादा बिजली लगेगी, तो उत्तर प्रदेश को भी 40 गीगावाट बिजली की ज़रूरत नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश को। सोचिए ये एक राज्य को चला सकता है, इतना भयानक इसमें बिजली होता है, 40 गीगावाट को, इतना भयानक ये बिजली देता है। तो आप कहिएगा जो सर तब काल जरूरत है बिजली घर लगाने का, कालिए को लगाइए ना, बिजली की ज़रूरत है पूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा बिजली का। तो इसकी एक खराबी है, ये जो इतना शक्तिशाली बिजली देता है ना, ये एक सेकेंड के लिए भी नहीं देता है, बहुत ही कम सेकंड के लिए देता है, 60 नैनो सेकंड, पलक भी नहीं झपका पाएंगे नैनो सेकंड में, इतने कम समय के लिए देता है। लेकिन इतने कम समय के लिए भी अगर देता है तो उतना तगड़ा झटका किसी को लग जाएगा तो बर्दाश्त थोड़ी कर पाएगा। आसमान से जो बिजली गिरती है वो लगभग 1000 एम्पियर की होती है, आइए उसका बाप है, देख रहे हैं ये 40 गीगावाट बिजली का झटका लगेगा एक बार में, तो कोई भी चीज तहस नहस हो जाएगी। काली को इंडिया कहता है कि ये कोई हथियार ही नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, हम इसे अपनी सुरक्षा के लिए यूज करेंगे, लेकिन अगर इससे किसी दुश्मन के विमान या किसी दुश्मन के सैटेलाइट मिसाइल पर हमला करेंगे तो उसका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है सब ध्वस्त हो जाएगा, विमान अपना रास्ता भटक जाएगा, मिसाइल रास्ता भटक जाएगी, सैटेलाइट को बर्बाद कर सकते हैं। तो इसका हथियार के रूप में यूज करेंगे तो ये काफी खतरनाक है। इसका प्रयोग किया गया ऑपरेशन व्हाइट वॉश में, समझते हैं क्या है ये ऑपरेशन व्हाइट वॉश। सियाचिन ग्लेशियर स्ट्रेटेजिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान दोनों के सैनिक रहते हैं, हालांकि इंडिया का कब्जा है लेकिन उसके दूसरे साइड में पाकिस्तान रहता है, तो इन दोनों के सैनिक बर्फ के गिरने से, बर्फ का फिसल का गिर जाना बहुत बड़े हिस्सा को, उसे हम एवलांच या फिर हिमस्खलन कहते हैं, तो यहाँ हिमस्खलन की घटना बहुत ज़्यादा होती है और हिमस्खलन से ही यहाँ ज़्यादातर फौजी मरते हैं। तो यहाँ पर रॉ के खुफिया एजेंट के दिमाग में एक आइडिया आया कि जब बर्फ को इतना तेज़ी से नीचे खिसकता है, ये एवलांच होते हैं, तो अगर हम लोग खुद से एवलांच ला दें तो हथियार चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो रॉ और DRDO ने मिलकर काली को यहाँ पर अटैक करने का प्लान बनाया। लेकिन काली में सबसे बड़ी खराबी क्या है, काली का साइज इतना भयानक है कि उसको इतना ऊपर चढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, काली जब भी जलती है तो इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है कि जहाँ रख के आप काली को इंजेक्ट करिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमको इस पर इंजेक्ट करना है ताकि ये वाला बर्फ इतना टूट कर नीचे गिर जाए, तो यहाँ इतना हीट प्रोड्यूस कर देगा ये काली कि ये वाला हिस्सा भी गल जाएगा, तो उसको भी ले जाएंगे तो आप भी लेके चले जाएंगे। दूसरा, इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा चाहिए, अब इतना ऊंचाई पे बिजली कहां से ले जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की भी दिक्कत है। तब रॉ के एजेंट्स ने प्लान बनाया कि सियाचिन पर जो हमला होगा वो काली से ही होगा, लेकिन काली हथियार को हम हवाई जहाज में भरेंगे। हवाई जहाज को चुना गया IL-76। इस IL-76 को हम लोग ने कटक में लाए।
कटक में ले आकर इसमें लोड किया गया काली नामक हथियार को। अब इस काली को यहाँ हथियार को तो लोड कर दिया गया, जानबूझ के कटक में लोड किया गया कि किसी का ध्यान ना जाए कि हमको ऑपरेशन उधर करना है, ताकि ध्यान उधर से इधर भटकाया जा सके। और काली को यहाँ पे लोड करने के बाद इसे सहारनपुर एयरबेस पर हम लोगों ने पहुँचा दिया और इसकी सुरक्षा में सैनिकों को तैनात कर दिया। किसी को ये नहीं पता था कि इसके अंदर है क्या इस विमान के अंदर, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आनी थी कि इस विमान के अंदर स्थित काली को बिजली कहां से दिया जाए। उतना हैवी बिजली नहीं दे पाए सकते थे, एक जहाज का इंजन उतना बिजली नहीं बना पाता है। बिजली की समस्या दूर करने के लिए रॉ के एजेंट्स ने दिमाग लगाया कि अगर हम विमान का इंजन खोल लेते हैं तो विमान का इंजन बहुत ही बड़ी मात्रा में बिजली पैदा करता है और इस बिजली को हम कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर की मदद से हाई वोल्टेज को बना सकते हैं। तो एक विमान का इंजन को खोलकर IL-76 के अंदर सेट किया गया और उससे बिजली बनाकर काली को स्टार्ट किया गया। IL-76 के अंदर काली नामक हथियार था, उसे अकेले नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए सुरक्षा का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया, कई लेयर की सुरक्षा बनाया गया और सबसे पहले आगे भेजा गया एवॉक्स विमान को। एवॉक्स का मतलब होता है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इस विमान के ऊपर रडार लगे होते हैं और ये रडार पूरे दुश्मन को देखते रहते हैं कि कोई दूसरा जहाज तो नहीं है इस एरिया में, और अगर इस एरिया में है तो इसके अंदर बैठे जितने रडार कंट्रोलर है वो अगल बगल बता देते हैं कि 200 किलोमीटर दूर जहाज है, इधर जहाज है। तो इसको पूरी तरह से सबसे पहले भेजा गया आगे एवॉक्स को। एवॉक्स विमान आगे आगे चल रहा था। एवॉक्स के पीछे लगाया गया सुखोई को। ये सुखोई को हम लोग पूना से बुला के लाए थे। सोचिए, दक्षिण भारत से जहाज उड़ के आया था सेफ्टी देने के लिए, ताकि किसी की नजर न पड़े। सुखोई विमान की खासियत ये इंटरसेप्टर है, दूसरे जहाज को बहुत तेजी से दौड़ा के मारता है। तो जैसे एवॉक्स किसी विमान को देखेगा उसे इंटरसेप्ट करने के लिए सुखोई को लगाया गया। मान लीजिए कि सुखोई किसी जहाज का पीछा करने के लिए चला गया, तो इस काली को ढो रहे IL-76 की रक्षा कौन करेगा? तो इसके पास रहकर इसकी रक्षा करने के लिए मिराज 2000 नामक जहाजों को तैनात किया गया। क्योंकि कोई भी जहाज कश्मीर से उड़ान नहीं भरा था, ताकि दुश्मनों की नजर न पड़े, सभी के सभी जहाज हिंदुस्तान के अलग अलग कोना से उड़े थे। अतः एक समस्या यह भी थी कि उड़ान भरने के बाद आधे रास्ते में इनका फ्यूल में कमी आएगी, फ्यूल खत्म होने लगेगा। क्योंकि जब भी आप दुश्मन के एरिया के करीब रहते हैं तो कोशिश करना चाहिए आपके पास मैक्सिमम फ्यूल हो, ताकि आप किसी भी विषम परिस्थिति में भाग के आ सके। फ्यूल को दिक्कत को दूर करने के लिए मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए एक व्यवस्था किया गया। IL-76 विमान का एक एयर रिफ्यूलर विमान है। इस विमान से हवा में ही कश्मीर में घुसने से पहले ही सारे जहाजों में फ्यूल को पूरी तरह से भर कर जहाजों को रेडी कर लिया गया। इस प्रकार सबसे आगे चल रहा था एवॉक्स, एवॉक्स के पीछे था आपका जो IL-70। देखिए, दोनों विमान IL-70 है, ये एवॉक्स में कन्वर्ट कर दिया गया था इसको लोड ढोने के लिए। अब इनकी सुरक्षा के लिए लगे थे आपके सुखोई जहाज लगे थे, मिराज जहाज लगे थे और रिफ्यूलिंग की भी व्यवस्था की गई थी। IL-76 के आगे निकलने के बाद उसकी सेफ्टी देते हुए सभी विमान लाइनअप होकर एक साथ मिशन के लिए निकल चुके थे। यहां तक कि इस विमान के पायलट सबको भी नहीं पता था कि हमें जाना कहाँ है। सियाचिन की पहाड़ियों से उड़ते हुए ये जब आगे पहुंचे तो उसके बाद अगला काम IL-76 में रखा हुआ काली ने पूरा कर दिया। लेकिन इन विमान के चालकों को ये भी नहीं पता था, इतना सीक्रेट था कि ऊपर से इसरो के सैटेलाइट भी उन पर नजर जमाए हुए हैं। इसरो के सैटेलाइट वहां पर सियाचिन के पास मिनटों की खबर ले रहे थे कि वहां पाकिस्तानी सैनिक क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हिमस्खलन, बर्फ की मोटाई कितनी जमी है, क्योंकि रात भर में बर्फ और ज्यादा जम जाता है। इन जहाजों के कैप्टन में किसी को नहीं पता था कि हमें हमला कहां करना है, केवल पता था कि IL-76 के पायलट को और उसके अंदर ऑपरेट कर रहे काली को। काली जो था पहुंच गया 7 अप्रैल 2012 को, ये कटक से लोड हुआ था और सहारनपुर में ये इंतजार कर रहा था। यहाँ से ये चल दिया सियाचिन के लिए, ये 4 बजे यहाँ से उड़ान भरा था, एकदम आराम से धीमी गति से आगे बढ़ता हुआ, और ये 5:40 पर सियाचिन ग्लेशियर पर गया और वहाँ पर इसने काली से इंजेक्ट करना चालू किया लेज़र बीम्स को। वो हाई इम्पल्स के बीम को वहाँ पर इंजेक्ट करना चालू किया। इसके इंजेक्ट करने से हाई बीम के क्षमता से वहाँ एक हैवी एवलांच, एक बहुत बड़ा हिमस्खलन, एक बहुत बड़ा बर्फ का चट्टान जो था वो नीचे से खिसक गया और वो नीचे गिरने लगा। इसके गिरने की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी, बुलेट ट्रेन की रफ्तार से ये बर्फ गिर रहा था। इसकी खबर पाकिस्तान को जब तक लगे कि बहुत देर हो चुकी थी, इतनी तेज रफ्तार के आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये 15 मिनट के अंदर
मिनट 80 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछ गई। सोचिए 80 फीट लगभग 8 से 9 मंजिला ऊंचा बर्फ ढक गया पाकिस्तान के जो वहां बंकर्स थे उनके ऊपर। इन बंकर्स में पाकिस्तान के 124 जवान दबकर मर गए। इस एवलॉन्च की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इस स्पीड के आगे किसी का भी टिक पाना बहुत ही मुश्किल था। यह 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आते हुए पाकिस्तानी बंकरों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रही थी। इस एवलेंच की जो सबसे घातक बात थी वो इतनी हाइट से थी और इतना तेज रफ्तार था कि किसी को संभलने का इसने मौका ही नहीं दिया और 90 फीट ऊंची बर्फ की एक चादर जम गई। काली के विकराल तांडव ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। ये इतना भीषण था कि इसके सामने रुक पाना नामुमकिन था और रफ्तार इतनी भयानक कि अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को यह उजाड़ते हुए चली गई थी। इस काली के तांडव के आगे किसी का भी बचना एकदम से नामुमकिन था। इससे हुए एवलांच की ऊंचाई इतनी ज्यादा थी कि वह लगभग 9 मंजिला ऊंची इमारत के बराबर उसके ऊपर बर्फ जम गया। इतना भीषण से यह एवलांच ये हिमस्खलन हुआ था। इस प्रकार भारत का एक टॉप सीक्रेट मिशन कंप्लीट हो गया। इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन व्हाइट वॉश। यह इतना सीक्रेट था कि इंडिया की कोई भी गवर्नमेंट कोई भी ऑफिशियल संस्था इसे मानने से इनकार करती है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया लेकिन भारत ने उसे सिरे से नकार दिया। उसने कहा कि काली नाम का कोई हथियार ही नहीं है, ऑपरेशन व्हाइट वॉश कुछ भी नहीं है, ये हम इसको इनकार करते हैं। लेकिन भारत का ये टॉप सीक्रेट आने वाले फ्यूचर में सियाचिन या द्रास बटालिक सेक्टर में लड़ाई में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।